सो हे गाइस, दिस इज सुपरमैन, यू आर वाचिंग जीरो आवर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में कैसे एक छोटा सा इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं जो कि रिचार्जेबल भी होगा। ठीक है, तो हम जो बैटरी यूज़ करने वाले हैं वो ये वाली है। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो फ़ोन वाले बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे तो ऐसे भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बैटरी यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आप ऐसी बैटरी यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको मार्केट में 40 से 50 रुपए के अंदर मिल जाएगी। और देख सकते हैं इसकी 4 वोल्ट और 1.5 एम्पियर आवर की कैपेसिटी है और ये सिग्मा ब्रांड की है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन की बैटरी से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टिकाऊ भी ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो एक तो बैटरी हमें चाहिए और दूसरी चाहिए लाइट। लाइट भी हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, रिसाइकल करेंगे। तो बहुत लोगों के घर में क्या होता है ना, एलईडी लाइट ख़राब हो जाती है तो वो रखी रहती है, तो आपके घर में भी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ना इसमें से कुछ एलईडी लाइट्स जो असेंबली एलईडी है उसे निकालना होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं इसमें से एलईडी। ठीक है, तो ये तो हो गया, तो इसमें से हम एक या दो एलईडी निकाल लेंगे क्योंकि हमें बैकअप भी चाहिए अच्छा खासा, तो इसलिए कम एलईडी लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें चाहिए ये इस तरह की पिन की लड़ी, लेकिन हमें सिर्फ इसमें से दो ही पिन चाहिए जो कि मैंने पहले से निकाल के रख लिया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया कि जैसे मैं चार्जिंग के लिए यूज़ करूँगा, मतलब अगर चार्ज करना रहेगा तो इसी पिन में मैं इसे लगा के चार्ज करूँगा। तो एक चाहिए हमें ये। उसके बाद चाहिए कि आप किसी भी तरह का स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको एक इस तरह की वायर्स की, या फिर कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, पतला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो हमें पहले से क्या बोलते हैं, इसमें से एलईडी निकालनी है। ठीक, तो वो पहले करते हैं, तो ये सबको साइड कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से एलईडी कैसे निकालते हैं। तो इसकी जो एलईडी है उससे निकालने के लिए क्या करना है कि हमें एक मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी और उसे जलाने के लिए एक माचिस की, जो कि घर में इसलिए अवेलेबल हो जाएगा, और उसे उठा के निकालने के लिए हमें इस तरह की टीज़र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या होगा, कैमरा का थोड़ा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं, अब आप देख पा रहे होंगे। तो क्या करना है, इस तरह से इसे जितने एलईडीज निकालनी है ना उसके ऊपर इस तरह गर्मी देनी है। ठीक है, तो इस तरह से वो निकल आएगा धीरे धीरे गर्म होकर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक निकल चुका है और दूसरा भी निकाल ही लेते हैं, तो कोशिश करते रहना, आपको उसके आसपास वाला कोई ना कोई निकल ही जाएगा। तो ये नहीं निकल रहा है, इसके बगल वाला चेक कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं ये निकल गया, थोड़ा सा हीट देने के शायद वो भी निकल जाए, तो कोशिश हो रही बार कर लेते हैं, और ये भी निकल गया। तो हमें तीन एलईडीज मिल चुकी है, तो हमें तो ज़रूरत दो ही की है, तो एक हमें एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया है अगर एक ख़राब हो जाता है तो, इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इस असेंबली एलईडीज को वायर के साथ सोल्डर करेंगे। तो मैंने और वीडियोस में बताया है कि सोल्डर करने से पहले आपको टिन कर लेना चाहिए। अब इस एलईडीज को देख तो सकते हैं अच्छे से, लेकिन टिन कर लेंगे तो और अच्छा से आप क्या बोलते हैं उसे आसानी से चिपका पाएंगे। तो वायर्स को पहले टिन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये कुछ इस तरह दिखेगा, तो दूसरा वायर भी हम अच्छे से जल्दी सोल्डर कर लेते हैं।
सोल्डरिंग में इतना टाइम देने के बाद एलईडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एसएमडी एलईडीज रहती है वो काफ़ी फ्रेजाइल रहती है, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे से हैंडल करना होगा। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं जल्दी। अब मैं क्या करूँगा कि इसे मैं किसी चीज़ से पकड़ के नहीं रखूँगा, इसे ऐसे ही सोल्डर करने की कोशिश करूँगा, तो शायद ये दोबारा ना टूटे। एलईडीज रहते हैं ना वो बहुत काफी फ्रेजाइल होते हैं। तो बहुत परेशान कर रहा है मेरे को ये। तो एक तरफ हम लोग का सोलर हो चुका है, ठीक है, तो इसे ज्यादा हिलाइए डुलाइएगा नहीं तो ये भी टूट जाएगा। दूसरी तरफ कर लेते, दूसरी तरफ करने के लिए मैं इसका इस बार इसका यूज़ करूँगा और इससे वायर को पकड़ूंगा कुछ इस तरह। तो इस तरफ भी थोड़ा सा कोटिंग कर लेते हैं। तो इस बार अच्छे से सोल्डर हो गया, कुछ टूटा फूटा भी नहीं है, ठीक। असेंबली के साथ आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छे से बिहेव करना पड़ता है तब ये कुछ काम करते रहता है। तो एक साइड एक एलईडी इस साइड और दूसरी एलईडी इस साइड लगाएंगे, ठीक। जो हार्ड वाला काम था वो पूरा हो चुका है और मैंने दोनों तरफ एलईडी सोल्डर कर दिया, तो अब इसे बैटरी के साथ चिपकाते हैं फेविक्विक की मदद से। इन दोनों पिंस को आपको क्या करना है, बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है ताकि ये चार्जिंग के लिए यूज़ हो सके। आपको फेविक्विक की मदद से वायर्स को अपनी जगह चिपका देना है। आप जैसा कि देख सकते हैं अभी की जो रेड वायर है वही बस सोल्डर करना बचा हुआ है, जो कि पॉजिटिव वाला है और बैटरी के पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा, और जैसे मैं इसमें सटाऊंगा तो ये लाइट जलने लगेगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक स्विच को लगाना है ताकि एक स्विच से हम इसे ऑन ऑफ कर सकें। आप जैसा कि अभी देख सकते हैं कि जैसे मैं रेड वाली सटाऊंगा पॉजिटिव से तो ये लाइट जलने लगेगी। तो आपको किसी भी तरह का स्विच ले लेना है, ठीक है, तो आप इस तरह का स्विच ले सकते हैं या जैसा आपको मिले। अगर आप मेरी जैसे बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरह का वेरिएबल रजिस्टर लेना पड़ेगा ताकि आप डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे अपने लाइट को जलने से बचा सकें। अगर आपको वेरिएबल रजिस्टर नहीं मिलता है तो आप इस तरह का रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको मार्केट में 1 से 2 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन मैं इसे लगाने का सुझाव नहीं दूंगा क्योंकि ये आपके एलईडीज को जलने से नहीं बचा पाएगा। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से स्विच के वायर को जोड़ देते हैं। हम फास्ट मोशन देख सकते हैं कि कैसे जोड़ना है। जो मिडिल वाला रहता है वो कॉमन रहता है, और जो लेफ्ट और राइट रहता है आप उसमें से किसी में भी एक वायर जोड़ सकते हैं। तो मिडिल में तो ये जोड़ना ही है और लेफ्ट और राइट आप किसी में भी एक वायर जोड़ सकते हैं तो आपका स्विच काम करने लगेगा। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले टिन कर लेना बहुत ही अच्छा रहता है। अब स्विच के एक वायर को जो वाइट वाली है उसे हम एलईडीज के पॉजिटिव से जोड़ देंगे और दूसरी वायर हम एक रजिस्टर के साथ प्लस से जोड़ देंगे ताकि हमारी एलईडीज जले ना। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह का सॉलिड रजिस्टर लगाने के लिए आपको इस तरह के बैटरी में मना किया था, फिर मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे छोटा से छोटा बनाना चाहता हूँ और इसलिए मैं इसमें इस तरह का रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं वो वाला वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करता तो ये थोड़ा बल्कियर हो जाता।
तो आखिर में सब कुछ जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, फेविक्विक का इस्तेमाल करना है और वायर्स को अपनी जगह पे चिपका देना है ताकि उनमें मोशन काफ़ी कम हो। अब देख सकते हैं कि एलईडी अब किस तरह जल रही है स्विच ऑन करते के साथ। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊंगा किसी अंधेरे से रूम में। तो हमारे घंटों की मेहनत सफल हो चुकी है और अब है रिज़ल्ट का वक्त। तो चलते हैं किसी अंधेरे कमरे में भूतों को ढूंढने। तो लेट्स गो। ये काफ़ी अंधेरा कमरा है, चलिए जलाते हैं लाइट को। तो आप डिफरेंस को आसानी से देख सकते होंगे कि कितना ज़्यादा अब लाइट आ चुकी है इस रूम में। तो अब देखिए, एंजॉय कीजिए और आपको बनाने का मन करे तो बनाइए, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया। प्रिफर करूँगा कि इस तरह की बैटरी आप ना यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा देर चलती भी नहीं है, मतलब इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है, ये कुछ 3-4 महीने में ही ख़राब हो जाएगी। अगर आप फ़ोन की बैटरी यूज़ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो निकलो।